नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जो खबरों का सिलसिला है रुक नहीं रहा है, एक और खबर हमें देखने को आई है और ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बीएड धारक है या जो डीएलएड वाले हैं। इससे आगे की रणनीति पता चलेगी। इधर देखिएगा तो यहाँ पर जो पूरी न्यूज है मैं आपको एक क्रक्स में बताने वाली हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बीएड अवधारक और डीएलएड वाले दोनों ही बिलासपुर में एक शिक्षा को कंडक्ट मतलब शिक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात है छत्तीसगढ़ की। ये बात कहां पर है? छत्तीसगढ़ की, जहां पर पूरी गहराई को देखिएगा। 10 जून 2023 को ये एग्जाम होना था, मतलब ये एग्जाम हुआ था और इसकी जो काउंसलिंग थी वो 30 अगस्त थी। अब यहां पर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पलटवार कर दिया और वो पलटवार क्या था, यहां पर बहुत सारे बीएड अवधारक गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाने और जिसमें कहा गया कि बीएड अवधारकों की क्या गलती है। ऐसे अवधारक जिसने 2018 से लेकर 2023 तक, मतलब जो भी अवधारक है जिन्होंने इस समय पर अपनी बीएड डिग्री ली है सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि वो पीआरटी में भी शामिल हो सकते हैं। बात तो सही है। तो 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी बीएड अवधारक है उनका क्या होगा अब, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी उम्र भी निकल जाएगी इससे, तो जल्द से जल्द कोई ना कोई आदेश आना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पलटवार करते हुए ये कहा कि ठीक है, हम यहां पर परीक्षा को रोकेंगे नहीं, हम सारी की सारी बातें मतलब जो भी चीजें परीक्षा कह रही हूं काउंसलिंग को रोकेंगे नहीं, काउंसिल में आप जा सकते हो, लेकिन अब पूरा का पूरा जो निर्णय होगा यानी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो हाई कोर्ट के पास होगी। किसके पास होगी? हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट जो चाहेगा वही करेगा। अब हाई कोर्ट के पास मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो पावर है आप देख रहे हो हाई कोर्ट पे आ गई है। अब हाई कोर्ट के निर्णय पर ही डिसाइड होगा कि जितने भी बीएड अवधारक है कि अगर उनमें से कोई किसी की मेरिट बनती है तो वो यहाँ पर सिलेक्शन ले सकेंगे। अब यहाँ पर पूरी बात हाई कोर्ट पे है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आगे क्या होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 से लेकर 2023 तक कोई ना कोई सुनवाई तो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इनको छोड़ दिया गया है और ये कभी छोड़े भी नहीं जा सकते। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो इस भीड़ से यदि बाहर हो गए तो बहुत प्रोटेस्ट और बहुत बड़ा हंगामा होगा, जो मैंने पहले से भी कहा था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कुछ स्पेशल चीज या स्पेशल इन सभी बच्चों के लिए किया जाए जिसके बेसिस पर इनको भी राहत मिले। तो ध्यान रखिएगा, बीएड अवधारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आप अपनी तैयारी मतलब आप जो भी कर रहे हैं वट एवर यू आर डूइंग, आप बीएड का एग्जाम भी दे रहे हैं जैसे बिहार स्टेट में परीक्षा आ रही है, तो बीएड अवधारक जितने भी हैं अपने स्किल्स पर फोकस करें क्योंकि ये हाई टाइम बनता है, कभी भी कहीं पर भी सिलेक्शन हो सकता है। और आप एग्जाम का वेट मत करिए। और जितने भी डीएलएड वाले मुझे देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, टक्कर इनसे भी होने मतलब हो सकती है। तो आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से तैयार करना है, मतलब आपको अपने ऊपर फोकस करना है नो डाउट, लेकिन माइंडसेट ऐसा तैयार करो कि आपकी जो क्या कहते हैं स्किल्स है उस पर फोकस करना है, नंबर्स पे फोकस करना है, नंबर्स की भूख होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें आपस में नहीं लड़ना है। हो सकता है कि बीएड अवधारकों के लिए कुछ और कर दिया जाए, कोई और जो है गजट पास हो जाए या कुछ और तुम्हें नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है, हार नहीं माननी है। और ऐसी छोटी छोटी अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थी सभी के लिए और इसके बेसिस पर आपकी मंजिल तय होगी कि क्या होगा आने वाले समय में, आगे आने वाले भविष्य में। नमस्कार, राम नाम प्रणाम एक बार फिर से आप सभी को।